हेलो गाइस, होप्स आप सब लोग ठीक होंगे एंड मजे में होंगे। यहाँ पे आया है नया पार्सल जिसमें लाया हूँ मैं एक बेसिकली हाई स्पीड नैस किट कह सकते हो आप उसको, जिसमें 4 NVMe के स्लॉट मिल जाते हैं एंड बहुत खतरनाक स्पीड में आप इसमें नैस चला सकते हो, नेटवर्क अटैच सर्वर। सो एक्चुअली ये खुला हुआ आया था क्योंकि अपने कस्टम डिपार्टमेंट ने इसको खोल दिया था। मे बी उनको कुछ सस्पिशियस लगा होगा या फिर कभी कभी खुल जाते पैकेट्स। तो चलो आज की वीडियो में आपको जल्दी से अनबॉक्स करके दिखाता हूँ इसमें क्या क्या मुझे चीजें रिसीव हुई है, क्या क्या मैंने इसमें मंगाया हुआ है। एंड इफ यू डोंट नो अबाउट कोर, कोर एक कीचेन है, रियल इंटेल का सीपीयू रहने वाला है। एज अ फ्रिज मैग्नेट आप इसको यूज कर सकते हो, एज अ फैशन एक्सेसरी, एज अ कीचेन, एंड इसको बैग पे आप पीछे लगा सकते हो एंड काफी कूल ये दिखता है। आप इसको खरीद सकते हो सिर्फ और सिर्फ 350 रुपीज में मेरे इंस्टाग्राम से। मेरे इंस्टाग्राम का बायो लिंक यहाँ कहीं होगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां पे जाके मेरे को DM करो एंड आप इसको खरीद सकते हो। एंड वन मोर थिंग, आई वॉन्ट टू से सॉरी क्योंकि 2 हफ्ते से वीडियोज नहीं आ रही, आई नो। सो नेक्स्ट जो वीक से आपकी वीडियोज रेगुलर चालू हो जाएगी क्योंकि मैं एग्जाम्स में थोड़ा सा बिजी था इसलिए 2 हफ्ते से वीडियोज वगैरह नहीं आ पा रही थी। सो सॉरी फॉर दैट, 2 हफ्ते वीडियो नहीं आई है। तो चलो इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं, आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या रिसीव हुआ है एंड ओपन WRT इसमें चला के तभी और दिखाऊंगा, आज तो नहीं दिखाऊंगा। चलो फिर जो भी है आपको जल्दी से अनबॉक्स करके दिखाता हूँ, चीजें दिखाता हूँ क्या क्या अभी ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह है। अभी मैंने इसमें उबंटू डाल रखा है। सो चलो देखते हैं। कुछ इस तरीके के पैकेज में, काफी बड़ा पैकेज है एंड ये बोर्ड भी इटसेल्फ काफी बड़ा रहने वाला है। नॉर्मल जो आपके सिंगल बोर्ड कंप्यूटर में पाम हैंड साइज दिखाता हूँ, ये उससे बेसिकली थोड़ा सा बड़ा रहने वाला है। बट जो इसका सीएम किट है वो सीएम किट पाम हैंड साइज रहने वाला है। जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए खोलता हूँ, आपको चीजें दिखाता हूँ क्या क्या है। एक मेन पैकेज रहने वाला है जिसमें CM3588 16 GB 64 GB ऑफ eMMC स्टोरेज, बहुत खतरनाक रहने वाला है। 16 GB की रैम रहने वाली है एंड नेक्स्ट जो चीज है यहाँ पे एक पावर ब्रिक रहने वाली है एंड कुछ बबल रैप्स हैं और एक यहाँ पे ये मतलब पावर ब्रिक तो ये वाली रहने वाली है अपनी अडेप्टर की, ये मे बी 12 वोल्ट पे होगी, 12 वोल्ट्स की पावर अडाप्टर रहने वाला है। आपको रेटिंग दिखाता हूँ, 12 वोल्ट्स एट 2 एम्पियर, तो ये कोई पावर अडाप्टर रहने वाला है, ये पावर अडाप्टर हो गया। नेक्स्ट जो चीज है ये एक प्लग रहने वाला है, यूनिवर्सल प्लग जिसे बोलते हैं, ये काफी प्रीमियम रहने वाला है ये यूनिवर्सल प्लग, क्योंकि हमारे इंडिया में तो ये वाली पिंस लगती है तो ये यूनिवर्सल प्लग रहने वाला है, ये इसमें आप अटैच हो सकते हैं एंड ऐसे कुछ रहने वाला है, ये भी अच्छी बात है। तो एक ये है, नेक्स्ट मेन आते हैं, इन सबको रखते हैं साइड में। ओके तो मेन बोर्ड ये रहने वाला है, ये यहाँ पे मेरा नीचे बिल है। ओके बिल को साइड में रखते हैं, इन सबको साइड में रखते हैं। मेन चीज दिखाता हूँ आपको, ये रहने वाला है, इसका नाम है CM3588 NAS किट। तो कुछ इस तरीके का ये रहने वाला है, बेसिकली पाम हैंड साइज नहीं रहने वाला है, ये थोड़ी सी बड़ी साइज, थोड़ा इसका बड़ा साइज है, आप जैसे कि देख सकते हो इतना बड़ा ये बोर्ड रहने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो 4 NVMe के आपको स्लॉट्स मिल जाते हैं, PCIe 3.0 पे रहने वाले हैं NVMe, SSDs आप उस पर लगा सकते हो, थर्ड जनरेशन वाली जो आती है 3.0 वाली। एंड इसके ऊपर ये वाला आप जो देख रहे हो हीट सिंक के साथ में, ये रहने वाला है मेन CM मॉड्यूल। मैं इसको निकाल के आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से निकल जाता है सीएम मॉड्यूल, ये कुछ सीएम मॉड्यूल रहने वाला है। एंड वन मोर थिंग, ये फ्रेंडली इलेक की तरफ से आने वाले हैं, नैनो पाई आपको दिखाया था ना मैंने, फ्रेंडली इलेक नैनो पाई, तो ये उनका उनकी तरफ से ये बोर्ड्स हैं, मतलब ये दोनों चीजें हैं, ये CM3588 एंड ये उसका अडेप्टर बोर्ड। अडेप्टर बोर्ड में आपको यहाँ से शुरू करता हूँ, अडेप्टर बोर्ड में क्या क्या चीजें मिल जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको ये टाइप सी दिख रहा होगा, ये टाइप सी पावर इन के लिए नहीं है, ये इसमें EMMC फ्लैश करने के लिए OTG के लिए है। एंड यहाँ पे आपको 3 डिस्प्ले दिख रही होगी, HDMI के पोर्ट दिख रहे होंगे जिसमें से एक HDMI इन है, 2 HDMI आउट है जिससे आप डिस्प्ले ले सकते हो, इसमें डिस्प्ले दे सकते हो। बाकी एक USB 2.0, USB 3.0 के 2 पोर्ट्स मिल जाएंगे। एक आपको यहाँ पे मिल जाएगा इथरनेट पोर्ट आपको 2.5 GB वाला मिल जाएगा, जो की अच्छी बात है, 2.5 GBPS का आपको इथरनेट इसमें मिल जाता है। बाकी एक ऑडियो का पोर्ट मिल जाएगा, microSD कार्ड के लिए यहाँ पे जगह मिल जाएगी, ये वाला आपको यहाँ से पावर इन के लिए मिल जाएगा, यहाँ से आप इसमें पावर इन कर सकते हो। तो बाकी आपको यहाँ पे GPIO 40 जो रेगुलर आते हैं वो मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपको बाकी तो आपको बताया कि यहाँ पे 4 NVMe मिल जाएंगे, PCIe Gen 3 के मिल जाएंगे एंड 2-2 TB के आप इसमें PCIe की मतलब अपने NVMe लगा सकते हो, मतलब टोटल ऑफ 8 TB आप इसमें SSD लगा सकते हो। बाकी कुछ बटन वगैरह मिल जाएंगे, यहाँ पे IR रिसीवर मिल जाएगा एंड एक बजर यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी अब बात करते हैं सीएम मॉड्यूल के, सीएम मॉड्यूल में आपको क्या क्या इसमें मिल जाता है। सीएम मॉड्यूल में आपको मिलता है रॉकचिप की तरफ से प्रोसेसर आता है इसमें, रॉकचिप का 3588 प्रोसेसर
प्रोसेसर आता है एंड ये जो प्रोसेसर है ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है। मैंने आपको वीडियोस में पहले भी वो बात दिखाया हुआ, ये प्रोसेसर एंड काफी पावरफुल प्रोसेसर है। इसमें जो AI के जो कोर्स आते हैं वो भी आते हैं, जो ऑलमोस्ट 6 टॉप्स का आपको इसमें AI आपको NPU मिल जाएगा। तो बहुत अच्छा प्रोसेसर रहने वाला है ये, और साथ में इसमें एम्बेडेड कर रखा है 16 GB ऑफ रैम, मतलब रैम की कोई कमी नहीं होने वाली है, 16 GB की रैम रहने वाली है एंड 64 GB ऑफ EMMC स्टोरेज रहने वाला है। रॉक चिप का पावर मैनेजमेंट IC मिल जाएगा, PMIC जो बोलते हैं। बाकी ये आपको कनेक्टर्स मिल रहे हैं, ये इसके CM मॉड्यूल के कनेक्टर्स हैं, जो कि आप इसमें, मैं आपको अभी अटैच करके दिखाता हूं कैसे अटैच होता है। सिंपली आपको बोर्ड पे रखना है, बोर्ड पे आप जैसे ही रखोगे ये सेट बैठ जाएगा एंड अपने आप क्लिक, ऐसे ही क्लिक हो जाएगा। तो ओवरऑल ये सब चीजें रहने वाली है इस बोर्ड के बारे में। एंड जल्दी से आपको एक बार वेबसाइट और दिखा देता हूं मैं, वेबसाइट में क्या क्या रहने वाला है। ये वेबसाइट रहने वाली है इनकी, हाँ तो ये वेबसाइट रहने वाली है। यहाँ पे आप $95 का आप इसमें ले सकते हो, 4 GB रैम वाले से शुरू है, 4 GB रैम वाला आप इसमें ले सकते हो $95 का, ऑलमोस्ट $100 का। जो अभी मेरे पास है वो 64 GB रैम के साथ है। तो यहाँ पे आप इसकी डिटेल्स पढ़ सकते हो, CM3588 हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग मॉड्यूल। इसको आप एज अ डेस्कटॉप सर्वर भी यूज कर सकते हो, एज अ NAS सर्वर भी यूज कर सकते हो एंड एज अ डेस्कटॉप कंप्यूटर भी यूज कर सकते हो। लिनक्स बेस्ड इसमें Ubuntu वगैरह चला सकते हो, PFSense वगैरह चला सकते हो। OpenWRT इसमें बाय डिफॉल्ट डल के आता है, बट अभी मैंने इसको स्विच कर दिया है, Ubuntu डाला हुआ है इसमें। सो अभी Ubuntu डाला हुआ है एंड आपको 8K तक आउटपुट मिल जाता है, 8K एट 60 FPS पे। जल्दी से मैं Ubuntu भी आपको चला के थोड़ा सा दिखा देता हूँ कैसा Ubuntu वगैरह के परफॉर्मेंस वगैरह रहते हैं, थोड़ा बहुत आपको दिखा देता हूँ, बाकी एक प्रॉपर वीडियो आपके लिए अलग से लेके आऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंडली WRT आता है, ओपन मीडिया वर्ल्ड भी आता है, Ubuntu भी आता है, Debian आता है, Android आता है। तो ये सारी चीजें इसमें आती है, ये सारी आप पॉज करके देख सकते हो आराम से। बाकी ये इंस्ट्रक्शंस वगैरह आप देख सकते हो क्या क्या मिलता है। बाकी ये CM मॉड्यूल रहने वाला है एंड ये सारी डिटेल्स आप इसके लिए पढ़ सकते हो क्या। एंड मैंने जैसे बताया था ना NPU आता है इसमें 6 TOPS का, 6 trillion ऑपरेशन पर सेकंड में आपको NPU भी मिल जाता है इसमें, जो कि बहुत अच्छी बात रहने वाली है। आप इसमें AI ML के भी काम कर सकते हो एंड नीचे ये आपको ये अडेप्टर बोर्ड रहने वाला है, ये अडेप्टर बोर्ड है। अडेप्टर बोर्ड के बारे में आपको कुछ डिटेल्स दी हुई है, कौन कौन से IO पोर्ट्स वगैरह लगे हुए हैं। मदर बोर्ड भी आप इसको कह सकते हो कि एक मदर बोर्ड की तरह ही है, उसके ऊपर आप CPU लगा रहे हो। सो वो IO पोर्ट्स आप इसमें पढ़ सकते हो पॉज करके वीडियो को। बाकी ये सारा कुछ रहने वाला है, ये वेबसाइट रहने वाली है एंड आप देख सकते हो ऐसे इसमें ही NVMe के आप 4 NVMe SSDs लगा सकते हो। तो आप जस्ट इमेजिन कि इसमें कितनी हाई स्पीड में आपका डेटा ट्रांसफर होगा, मतलब NAS सर्वर का बहुत फास्ट बनने वाला है। सो ओवरऑल ये कुछ वेबसाइट रहने वाली है, एंड ये इसका बोर्ड रहने वाला है। साथ में जो बॉक्स में निकला ये अडेप्टर निकला, अपना अडेप्टर कह रहा हूँ, ये निकला था क्या बोलते हैं इसको, पावर प्लग, एंड ये अडेप्टर निकला था 12 वोल्ट 2 एम्पीयर। तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट के जो थोड़ा सा ऑन करके आपको दिखा देता हूँ, Ubuntu इसमें डाल रखा है, पहले से इसमें बाय डिफॉल्ट डल के आया था OpenWRT डल के आया था, बट अभी जल्दी से मैं Ubuntu इसमें डाला हुआ है मैंने, जल्दी से आपको बूट करके दिखा। तो यहाँ पे Ubuntu मैंने जल्दी से बूट कर दिया है एंड एक बार मैं आपको कोर के बारे में और बता दूं। कोर अगर आप नहीं जानते तो कोर एक कीचेन रहने वाला है। कोर आप मेरे थ्रू खरीद सकते हो 350 रुपीज में, सिर्फ और सिर्फ रियल इंटेल का CPU रहने वाला है एंड इसके पीछे ने एक वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट मैंने लगा रखा है। तो जो इसको आप कहीं पे भी मतलब स्टिक कर सकते हो, लाइक अभी मैं जैसे इस पे स्टिक करना चाहता हूं तो ऐसे कुछ चीज स्टिक हो जाएगा। आप इसको फ्रिज पे भी स्टिक कर सकते हो, काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रहने वाला है। ये थोड़ा सा जाली वाला है तभी ये थोड़ा सा स्लिप हो जाता है, इसमें ऐसे नीचे आ जाते हैं, बट इसको उस पे लगाओगे, फ्रिज पे लगाओगे, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रहने वाला है। एंड अभी एक पार्सल, ये ऑलरेडी दो कोर किचन का ये पार्सल अभी जा ही रहा है शिप होने के लिए, डाल रखे हैं। ओवरऑल अभी आप देख सकते हो Ubuntu मैंने स्टार्ट कर दिया है, आपको थोड़ा सा चला के और दिखा देता हूँ Ubuntu कैसे चल रहा है। यहाँ पे आपके बोर्ड देख सकते हो, बोर्ड पे इंडिकेशन लाइट के लिए यहाँ पे एक अपना जो CM मॉड्यूल है उस पर एक लाइट जल रहा है, मदरबोर्ड अपना अडेप्टर जो है उस पर लाइट जल रहा है, छोटी सी लाइट है बिल्कुल, हीट धीरे धीरे हीट हो जाएगा। एंड एक बार मैं इसको पावर दे दूं, मैं इथरनेट दे देता हूँ उसको ताकि इसमें इंटरनेट मिल पाए, क्योंकि इसमें इनबिल्ट वाईफाई नहीं आता है, इस बोर्ड में इनबिल्ट वाईफाई नहीं आता है, इसलिए मुझे इथरनेट से ही इसको पावर इन करना पड़ेगा, मतलब इंटरनेट देना पड़ेगा मेरे लिए, तो पावर ही है। सो जल्दी से आपको एक बार, यहाँ पे अभी मैंने एक वीडियो चला रखी है अपनी ही खुद के चैनल की एंड 3588 जो रॉक चिप का आता है उसकी परफॉर्मेंस के
कोई बीट नहीं कर सकता आज के टाइम पे। जो रेसबेरी पाई 5 है ना, इवन मैं कह सकता हूँ, प्राउडली कह सकता हूँ कि CM3588 जो मतलब ये जो रॉकचिप का 3588 प्रोसेसर है उसको बीट नहीं कर सकता है। बहुत पावरफुल ये जो प्रोसेसर रहने वाला है, बहुत स्मूथ। मैं तो डेली डेस्कटॉप की तरह भी इसको कभी कभी यूज करता हूँ। कई बार जैसे मुझे विंडोज नहीं चलाना होता है तो Ubuntu वगैरह या फिर कोई भी लिनक्स का डिस्ट्रो मैं इसमें डाल के एज अ रेगुलर अपना डेस्कटॉप कंप्यूटर की तरह भी यूज कर चुका हूँ। CM3 अपना जो 3588 रॉकचिप का आता है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है एंड बहुत स्मूथ चीज है ये जो 3588 प्रोसेसर है। तो यहाँ पे आप वीडियो देख सकते हो कितनी स्मूथ चल रही है, और अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके जरूर देखना भाई साहब। ये अपना गेम सेल है, गेम सेल मैं आपको दिखाता हूँ यहीं पे पड़ा हुआ, ये इसकी असेंबली की वीडियो है, वो जाके जरूर देखना। इसकी भी एक रिव्यू वीडियो आने वाला है तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है। सो परफॉर्मेंस वाइज बहुत अमेजिंग है इसका, जो भी एक इन डेप्थ जो परफॉर्मेंस है वो मैं आपको एक फुल वीडियो ला के दूंगा। अभी तो मैंने यही चलाया आपको बस थोड़ा सा दिखाने के लिए कि हाँ परफॉर्मेंस वाइज बहुत तगड़ा ये सीपीयू रहने वाला है। बाकी इसमें NVMe भी लगा के देखें, एज अ NAS सर्वर डेडिकेटेड है ये, तो एज अ NAS सर्वर इसको ज्यादा प्रीफर करेंगे कि यूज करेंगे करके देखेंगे। इसमें क्योंकि आपको पता है एक एक SSD 1000 रुपीज की 10,000 रुपीज की आती है, मतलब अगर मैं 2 TV की भी लूंगा तो बहुत महंगी आने वाली है, तभी मैंने इसमें अभी SSD मंगाई नहीं है। तो जैसे मैं मंगाता हूँ उसकी भी परफॉर्मेंस वीडियो देता हूँ कि NAS सर्वर इसमें कैसा चलेगा। एंड ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना। एंड अगर आपको कोर किचन पसंद आया तो आप इससे खरीद सकते हो 350 रुपीज में, मेरे को इंस्टा पे DM कर सकते हो। यहाँ पे ऑलरेडी 2 जो कोर की चेन है इसमें पैक होके जा रहे हैं कस्टमर के, ये जा रहे हैं महाराष्ट्र में। सो ऐसा नहीं है कि आप ऑर्डर करोगे कोई फ्रॉड है, आपको मिलेगा, पैकेज मिलेगा, ऐसा कोई आपको चिंता करने की बात नहीं है। सो बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना। आपको ये बोर्ड कैसा लगा 3588 CM3588 का नाम है, उसकी तरफ से आता है ये, फ्रेंडली इलेक्ट की तरफ से। एंड ये कह सकते हैं वन ऑफ द चीपेस्ट NAS भी आप इसको कह सकते हो कि $100-$150 में आपको ये मिल जाएगा अगर आप इसका 4GB वेरियंट लेते हो तो। अराउंड 150-160 Around 4GB वाला आपको पड़ेगा। ये वाला मुझे आई थिंक 280 का पड़ा था 16GB के साथ, थोड़ा सा महंगा हो गया था ये, बट हाँ परफॉर्मेंस वाइज बहुत तगड़ी चीज है। 16GB की रैम, यहाँ पे इसका अबाउट सेक्शन देख सकते हो, 16GB ऑफ मेमोरी आप इसमें देख सकते हो, स्टोरेज आती है 16GB की, यहाँ पे अब रैम आने लग गए 16GB की। भाई साहब यार यहाँ पे ARM का तो प्रोसेसर आता ही है, रॉकचिप का प्रोसेसर आपको बताने की जरूरत नहीं, ARM के आर्किटेक्चर पे आते हैं, 8 कोर का प्रोसेसर रहने वाला है, GPU भी आपको उसी का मिल जाएगा, डिस्क आपको 64GB आपको मिलती है, तो 61-62 आपको फ्री मिल रही है। बाकी Ubuntu आप देख सकते हो 22.04 अभी चल रहा है, इसमें 64-bit का प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम है ये Ubuntu। सो परफॉर्मेंस वाइज बहुत तगड़ा है। बाकी आपको वीडियो वगैरह कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी, तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। टाटा बाय बाय, और कोर की चेन को मत भूलना। बाकी टाटा बाय बाय।